आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपकी जो फर्स्ट बुक का लास्ट लेसन है विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें आपको जो सात रे हैं गामा एक्स अल्ट्रावायलेट विजिबल, इन सब की वेवलेंथ, इन सब का कहाँ यूज होता है और अगर हो सके तो कैसे ये प्रोड्यूस होती है याद कर लीजिए। अगर आपको वेवलेंथ याद है तो इस फॉर्मूले से एनर्जी आ जाएगी और इस फॉर्मूले से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अगर आपने वेवलेंथ याद रखा है तो फ्रीक्वेंसी दिया तो आप चेक कर लेंगे वो मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक। और इस लेसन का महत्व और समझ लीजिए, इस लेसन को ले जाके वो आपको डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ से भी जोड़ सकता है क्योंकि उसमें भी लैम्डा बराबर एच बाई पी होता है। और इस लेसन का यूज आपको करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कर सकता है क्योंकि वहां पर फॉर्मूला होता है एनर्जी बराबर एस सी बाई लैम्डा, तो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम है तो रिटर्न नहीं निकलेगा, तो पूछ सकता है इससे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा कि नहीं, आपने याद नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस लेसन का बड़ा महत्व है, भले ही 3 नंबर का है या और लेसन में भी आपको हेल्प करेगा। इसमें एक टर्म और आप पढ़ेंगे विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या डिस्प्लेसमेंट करंट, और एक ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो है सी होता है। यहाँ आइए उसके बाद आ जाइए आप एटम और न्यूक्लियस में। तो पहले न्यूक्लियस सुनिए, जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो क्या होती है कॉन्स्टेंट, ठीक। और जो उसका जो सेल नंबर मतलब रेडियस होती है आर, तो वो आर इस फॉर्मूले से वेरी करती है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। दो चीज आपकी ये कवर होनी चाहिए। फिर जब दो न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो मास डिफेक्ट होता है, मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में आपको दो दो एग्जांपल याद करके जाने हैं क्योंकि आपसे ऐसे बोलेगा कि व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन और फिर कहेगा राइट डाउन टू एग्जाम्पल, समझ पाए। तो इसमें एक आपकी एनर्जी कितनी निकलती है उसका फॉर्मूला है उसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी, जैसे न्यूक्लियर फोर्स है तो उसकी प्रॉपर्टी लिखो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है स्पिन डिपेंडेंट नहीं होता, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। तो आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। इधर आ जाइए, लेंस मेकर का फॉर्मूला कहां पे है ये ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में। तो लेंस मेकर का फॉर्मूला, उसके बाद इसका डेरिवेशन और इस पर न्यूमेरिकल। जैसे किसी लेंस को किसी मीडियम में डिप कर दिए तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, तो कब वो ज्यादा हो जाती है कब वो नेगेटिव हो जाती है इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, दो लेंस कॉम्बिनेशन में रख दिया कुछ दूरी पर रख दिया तो न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे। उसके बाद एम्पियर का, ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो एम्पियर का रूल क्या है, और इसकी हेल्प से 3 डेरिवेशन है, एक है लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड, लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड फिर सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड और टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 में से आप कोशिश करिए, 3 एक बार देख के जाइएगा। यहाँ जाइए बोर्स मॉडल, इसके 3 पॉस्टुलेट है, उसकी एनर्जी क्या होती है nth ऑर्बिट में, रेडियस क्या होती है nth ऑर्बिट में, वेलोसिटी क्या होती है nth ऑर्बिट में, इसके 5 स्पेक्ट्रम है लाइमेन बामर पास्टन ब्रैकेट कुंड, इन सबकी लिमिटिंग वेवलेंथ, सबसे छोटी वेवलेंथ और सबसे बड़ी वेवलेंथ इन सबकी, और ये सब किस में आते हैं, जैसे लाइमेन कहाँ आता है अल्ट्रावायलेट में, बामर कहाँ आता है विजिबल में, और बाकी तीनों कहाँ आते हैं अल्ट्रावायलेट में, ये उसमें इंफ्रारेड में, ये तीनों कहाँ आते हैं इंफ्रारेड में, और पहला वाला अल्ट्रावायलेट में, ये वाला विजिबल में। तो आपसे पूछ लेगा कि लाइमेन सीरीज की सबसे छोटी वेवलेंथ बताओ या सबसे बड़ी बताओ, सहमत। तो आपको ये पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ जाइए रदरफोर्ड मॉडल क्या है, बेसिक की अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें इसके क्या ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक जरूर पढ़ के जाइएगा। तो इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और बोस मॉडल का ऐसे ही 2 आप पढ़ लीजिएगा कि क्या इनका ड्रॉबैक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं बता पाए, लाइमेन ये जो है वो नहीं बता पाए क्या कि 5 ही स्पेक्ट्रम क्यों होता है और भी क्यों नहीं होता, जैसे लाइमेन बामर पास्टन ब्रैकेट 5 के आगे और भी होता है ना, तो वो नहीं बता पाए, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं बता पाए कि कौन से ऑर्बिट में कौन इलेक्ट्रॉन, वो तो मेंडली बताए थे ना बाद में आकर, तो ये नहीं बता पाए, तो इससे सब कमी आप इसको पढ़ डालिएगा। इतनी बात समझ में आई। एसी में 5 नंबर आपको मिनिमम फिक्स है, क्या क्या आएगा, एक आपसे कहेगा कि प्योर इंडक्टिव क्वाइल में करंट से आगे होता है वोल्टेज 90 डिग्री, ये प्रूव करो। दूसरा आपसे कहेगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, इसको प्रूव करो। तीसरा आपसे कहेगा पावर का एवरेज फॉर्मूले का डेरिवेशन करो, Vrms Irms cos of phi। 3 तो डेरिवेशन है जो आपको मिल सकते हैं, एक और है वो है RMS वैल्यू का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर का एवरेज डिवाइडेड बाई, बोलो इसका रूट ना, आई स्क्वायर का एवरेज और इसका रूट।
तो इसका इसके न्यूमेरिकल के आधार पर, इसका न्यूमेरिकल इसकी थ्योरी के आधार पर। और एक है आपके यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेसन में, एलसीआर सर्किट का जब रिजोनेंस होता है, क्या रिजोनेंस, एलसीआर सर्किट का जब रिजोनेंस होता है तो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π 1/√LC, इसका न्यूमेरिकल, इसका खूब न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद इसमें आपसे एक चीज पूछता है क्यू वैल्यू, क्या क्यू वैल्यू या शार्पनेस, ध्यान से सुन लीजिए जो बता रहे हैं सब आएगा, बाद मत कहना है वैसे आया था वही लगा नहीं पाए, क्यू वैल्यू या शार्पनेस। तो इस एलसीआर सर्किट में आपको मेनली 5 नंबर मिलना है किस पर, न्यूमेरिकल पर। अगर तुमने न्यूमेरिकल नहीं लगाया तो तुमको बता देना है तुम्हारे पेपर में एकदम लास्ट में बैठा रहेगा ये, और आपको सब वैल्यू दी रहेगी, ओमेगा एल सी सब दिया रहेगा, तो कहेगा सर्किट करंट बताओ, रिजोनेंस है कि नहीं ये बताओ, इम्पीडेंस बताओ। तो आपको ये सब चीजें पढ़ के जाना है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, और इस लेसन का किसी और लेसन का मतलब भी नहीं है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो लेंज रूल है, लेंज रूल है, है कि नहीं, तो लेंज रूल के आधार में पूछता है कि इसमें करंट बह रही है ऊपर, एक क्वाइल है, अगर करंट ये वाली घट गई तो इस पर इसमें करंट किधर आएगी और क्यों आएगी, ये क्वाइल किधर मूव करेगा, यानी लेंज रूल आप पढ़ के जाएंगे, फैराडे का रूल पढ़ जाएंगे, और उसमें एक टर्म आता है मोशनल ईएमएफ, क्या क्या मोशनल ईएमएफ, उसका फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर बीवीएल, इस पे सवाल आता है आपके यहाँ। तो आप इस लेसन में ये चीज पढ़ के जाएंगे, मतलब फैराडे ला पढ़ेंगे, जैसे सुनिए फैराडे ला पढ़े, फिर आपसे पूछेगा कि लेंज का नियम लिखो, एक हिस्सा हो गया, फिर आपसे कहेगा कि मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन करो, ये अलग क्वेश्चन हो गया, आएगा वो फैराडे ला से ही, वो बीवीएल हो गया, समझ पाए। और एक आपके यहाँ है कि जब आप इस लेसन को पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िएगा, क्योंकि इसमें एक टर्म आता है स्वपेरड और अननोन पेरड, यानी सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन अप टू कॉइल्स, तो उसका डेरिवेशन बहुत पूछता है आपसे। तो जब इस लेसन पढ़िएगा तो इस लेसन को पूरा पढ़ के जाइएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इसको स्किप ना करिएगा। जैसे देखिए आपने क्या पढ़ा, आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा, किसी बंद परिपथ में किरचॉफ का नियम, आप उसका सवाल नहीं लगाए और एग्जाम में गए सजा के सर्किट मिल गया, लो ऐसे दे देगा, कहेगा बताओ, ऐसे कहेगा ये लो, और कहेगा ये करंट I1 I2 I3 बताओ। अब आप किरचॉफ का नियम तो पढ़े हैं, संधि का नियम पढ़े हैं, जंक्शन ला और लूप ला पढ़े हैं, अब उसका सवाल नहीं लगाया, सवाल ही आना है। जैसे कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर एसी वाला लेसन पढ़े हैं, तो मैं उससे एक ही बात बोलूंगा न्यूमेरिकल लगाए, वो कहेगा सर न्यूमेरिकल नहीं लगाया, तो फिर जाओ कुछ नहीं होना है, थ्योरी क्या है इसमें आना है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है थोड़ा ना पूछेगा वो आपसे, पूछेगा भी तो एक नंबर में, वो आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। तो और उसमें भी कहां कहां क्यू वैल्यू या शार्पनेस बोलते हैं इसको, या एलसीआर सर्किट में रिजोनेंस, ये एकदम इसका फेवरेट टॉपिक है। और अगर वो डेरिवेशन के मूड पे गया तो आपसे तीन चीजें मैंने आपको बता दी, वीएल में वीएल 90 आगे होता है क्यों, डेराइव करो, इसमें वीसी 90 पीछे होता है क्यों, और पावर का एवरेज फॉर्मूला ये, और आरएमएस के फॉर्मूले पर आपसे न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल और इन सबका डेरिवेशन, तीन डेरिवेशन हो गए, एक न्यूमेरिकल हो गया, इसका न्यूमेरिकल हो गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा न्यूमेरिकल इसका एसी का जरूर लगा के जाइएगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। जैसे आप सोचिए कि सर अभी वहां पहुंचे नहीं है, सब कुछ नहीं, अभी एक महीना बचा है, अब जाओ धुआंधार न्यूमेरिकल लगाओ, एसी पढ़कर न्यूमेरिकल लगाओ, ठीक।